अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नशस्तें लेना नहीं चाहती, आप क्यों इन्हें मखसूस नशस्तें दिलवाना चाहते हैं? दौरान समाज चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वकील अली जफर से इस्तफसार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अली जफर को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का खत भी पेश कर दिया। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी दरख्वास्त पर समाज ताखीर से की। इस दौरान दीगर जमातों को भी दरख्वास्त दायर करने का मौका मिल गया। अली जफर ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद अब पार्लिमानी जमात है, जिसे मखसूस नशस्तों का पूरा हक हासिल है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशस्तों की अलॉटमेंट का मामला गंभीर हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच का इजलास। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से बैरिस्टर अली सफर का कहना था, तमाम जमातें इस केस में पार्टी नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमारी दरख्वास्तों को अल्तवा में रखा ताकि बाकी जमातों की दरख्वास्तें भी आ जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आपकी दरख्वास्त से मुतालिक 3 बार इजलास हुए, समाअत की जरूरत तभी पेश आती है जब अवाम हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का खत भी अली सफर को दिखाया। खत में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने नशस्तें लेने में अदम दिलचस्पी जाहिर की। अली जफर ने इस खत से लाइल्मी का इजहार किया। उन्होंने कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आजाद अरकान की शमूलियत के बाद अब पार्लिमानी जमात है, जिसे मखसूस नशस्तों का हक हासिल है। अली जफर का कहना था, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा था की इंतखाबी निशान लेने से मखसूस नशस्तों की अलॉटमेंट मुतासर नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हमारे खदशात दुरुस्त निकले। मुस्लिम लीग नून के वकील आसम नसीर ताराड़ का कहना था, मखसूस नशस्तों के हक पर दावा करने के लिए सियासी जमात का इलेक्शन में हिस्सा लेना और कुछ जनरल नशस्तें जीतना जरूरी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खत में कहीं नहीं लिखा कि मखसूस नशस्तें नहीं लेना चाहते। खत का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआर रहमान अली जफर कहते हैं कि मखसूस नशस्तें खैरात नहीं बल्कि आईनी हक है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन पीटीआई के हक में फैसला देगा। अगर हमारी सीटें पीपी और नून लीग में बांटी गई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आईन शिकनी हुई तो सदर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन भी मुतनाज़ा होगा। बड़ा वाजे तौर पे ये कहता है, किसी सियासी जमात ने जितनी सीटें जीती हों इलेक्शन में, उनको सिर्फ और सिर्फ उन सीटों के मुताबिक माइनॉरिटी सीट्स और वुमेन सीट्स मिलेंगी। अफसोस इसलिए हुआ कि हमारी जो सियासी जमातें हैं वो जमहूरियत की तो बात जरूर करती हैं, लेकिन जब मौका मिले तो किसी और के हिस्से पे गबन करने की कोशिश करती हैं। आईन को आप तब्दील नहीं कर सकते। आईन में जो हिस्सा उनका है वो हिस्सा उनको आप दे चुके हैं। जो पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद में ज्वाइन किया है, उनका हिस्सा आपको आईन के मुताबिक देना ही देना है। हमने ये भी कहा कि आप ये खाली भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो विमेन माइनॉरिटी इनके जो हिस्से हैं, इनके जो कैंडिडेट्स हैं, ये कोई खैरात नहीं है, ये आईनी हक है। तो उम्मीद तो मेरी ये है, आईन और कानून के मुताबिक फैसला होगा। अगर ये गबन जो है, गैर कानूनी गबन, वो अगर हो गया तो फिर हम ज़रूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और अभी जानिए, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 9 मुंतखब अरकीन ने हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी से कबल ऐवान में शदीद बदनज़मी दिखने में आई। नूली की सोबिया शाहिद पर जूता फेंक दिया गया। इजलास में शिरकत के लिए भी सैकड़ों अफराद गेट पर टूट पड़े। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर और डेप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा, जबकि कागजात नामजदगी आज रात तक जमा कराए जा सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में शदीद बदनज़मी के दौरान अराकीन की हलफ बर्दारी। इजलास से कबल असेंबली में गुलगबाड़ा। नून लीगी रुकने असेंबली सोबिया शाहिद पर जूते और काली बोतलें फेंक दी गईं। लीगी खातून रुकन घड़ी उठाकर लहराती रहीं कि पेल और हंगामा आराई हुई। सैकड़ों अफराद असेंबली में घुस गए। मुतअद्दिद अफराद बगैर चेकिंग और इंदिराज के ही असेंबली में दाखिल हो गए। असेंबली का इफ्तिताही इजलास सुबह 11 बजे तलब किया गया था, जो तकरीबन 1:15 बजे शुरू हुआ। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी की सरबराही में होने वाले इजलास में पहले मरहूमीन और शहदा के लिए दुआए मगफरत कराई गई। मौजूदा दहशतगर्दी लहर में जितने शहदा इस वतन पर निचावर हुए, कुर्बान हुए, अल्लाह करीम उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जिसके बाद मुश्ताक गनी ने 115 नौ मुंतखब अराकीन से हलफ लिया। नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी हलफ उठा लिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अहदे के इंतखाब के लिए मौका 29 फरवरी
روز جمعرات مقرر کی گئی ہے۔ بلوچستان اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر بعد شروع ہونے جا رہا ہے، جبکہ نو منتخب اراکین اسمبلی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس بارے میں مزید کیا تفصیلات ہیں، کوئٹہ سے سدرہ عارف سے جانتے ہیں۔ سدرہ بتائیے گا کیا صورتحال ہے۔ اسمبلی کا پہلا اجلاس کچھ دیر میں شروع ہونے جا رہا ہے اور آج نو منتخب اراکین جو ہیں وہ حلف اٹھائیں گے۔ اگر ایوان کی بات کی جائے تو 65 ایوان ہیں جو بلوچستان اسمبلی کے ہیں، جس میں سے 51 جو ہیں وہ جنرل نشستوں پہ بیٹھیں گے۔ اگر بات کی جائے تو سیکورٹی کی، تو سیکورٹی کے انتظامات تو بہت سخت کر دیے گئے ہیں، لیکن اب جو سلسلہ ہے وہ نو منتخب اراکین کا وہ اسمبلی میں آنا شروع ہو چکے ہیں اور آج بلوچستان اسمبلی کی جو صدارت کریں گے وہ زمرک چکزئی کریں گے، کیونکہ اسپیکر جان جمالی جو ہے وہ کوئٹہ میں موجود نہیں ہے، اور اگر کسی وجہ سے زمرک اچکزئی بلوچستان اسمبلی نہیں پہنچ سکتے تو بلوچستان اسمبلی کی صدارت جو ہے وہ رحیلا درانی کریں گی۔ سیکورٹی جو ہے بہت سخت ہے، 300 سے زائد اہلکار جو ہیں وہ تعینات کر دیے گئے ہیں بلوچستان اسمبلی کے احاطے میں، اور بیریئر لگا دیے گئے ہیں، کیونکہ جو ہے کچھ سیاسی جماعتوں نے نا آج احتجاج کا کال بھی دی تھی، لیکن اب تک جو ہے وہ اسمبلی کے اجلاس کی جو اراکین ہے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں، اور 3 بجے جو ہے وہ اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ شروع کر دیا جائے گا۔ آپ کا نون لیگ کی بڑی بیٹھک کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نواز شریف اور شہباز شریف کی زیر صدارت کچھ دیر بعد شروع ہوگا۔ اجلاس میں خواجہ آصف، اسحاق ڈار، احسن اقبال، رانا، اور اس متعلق مزید کیا تفصیلات ہیں فہد چوبی سے جانتے ہیں۔ فہد آگاہ کیجیے گا۔ جی دیکھیے، اب سے کچھ دیر بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا ایک اہم اجلاس شروع ہونے لگا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے کمیٹی روم نمبر 2 میں، جس میں شرکت کے لیے مسلم لیگ نون کے 9 منتخب ارکان قومی اسمبلی پہنچ چکے ہیں۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف، صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف اور حمزہ شہباز بھی پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے ہیں۔ اس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں ایک تو مسلم لیگ نون کی جانب سے شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کے لیے باضابطہ طور پر امیدوار نامزد کیا جائے گا، اس کے علاوہ امکان ہے کہ اسپیکر کے عہدے کے لیے بھی مسلم لیگ نون کی جانب سے نام فائنل کر لیا جائے۔ سردار ایاز صادق جو کہ سابق اسپیکر ہیں، مضبوط امیدوار ہیں اس وقت اسپیکرشپ کے لیے، اور پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اب سے کچھ دیر بعد شروع ہوگا، جس میں شرکت کے لیے مسلم لیگ نون کے تقریباً تمام 9 منتخب ارکان قومی اسمبلی اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں۔ جی، پارلیمانی اجلاس سب سے کچھ دیر بعد شروع ہوگا اور نواز شریف اور شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ فہد چودھری، آپ کا بہت شکریہ۔ الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے، نے 15 مانسہرہ سے دوبارہ پولنگ کروانے کے لیے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے بھی سلمان اکرم راجہ کی این اے 128 کے ریٹرننگ افسر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست خارج کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا، این اے 15 مانسہرہ سے دوبارہ پولنگ کروانے کے لیے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی درخواست مسترد۔ الیکشن کمیشن نے این اے 15 مانسہرہ پر دوبارہ پولنگ سے متعلق سابق وزیر اعظم نواز شریف کی درخواست پر گزشتہ روز فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے نواز شریف کو الیکشن ٹریبیونل سے رجوع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ نے سلمان اکرم راجہ کے این اے 128 کے ریٹرننگ افسر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست خارج کر دی۔ عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیا۔ نگراں وزیر اعظم نے قومی اسمبلی اجلاس بلانے کے لیے صدر کو دوبارہ ایڈوائز بھیج دی ہے۔ قومی اسمبلی سیکرٹریٹ کو آئینی ڈیڈ لائن گزرنے پر اجلاس بلانے کا اختیار بھی دے دیا گیا ہے، جبکہ اجلاس بلانے کا نوٹیفیکیشن آج رات گئے تک جاری ہونے کا امکان ہے۔ نئی منتخب اسمبلی کا اجلاس بلانے کا آئینی معاملہ حل نہ ہو سکا۔ سرائے کا کہنا ہے کہ نگراں وزیر اعظم نے صدر مملکت کو اجلاس طلب کرنے کے لیے دوسری بار ایڈوائز بھیجی، ساتھ ہی اسمبلی سیکرٹریٹ کو بھی اجلاس بلانے کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ قومی اسمبلی سیکرٹریٹ نے آئینی ڈیڈ لائن پوری ہونے پر اجلاس بلانے کا اصولی فیصلہ کیا ہے۔ سرائے کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی اجلاس کا نوٹیفیکیشن آج رات گئے کسی وقت جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ اس سے قبل نگراں حکومت نے اجلاس بلانے کی صدر کی پہلی اسمبلی پر اعتراض کا جواب دیا اور 21 دن کے اندر اجلاس بلانے کو آئینی تقاضا قرار دیا۔ صدر مملکت عارف علوی نے قومی اسمبلی اجلاس بلانے کی اسمبلی مسترد کر کے واپس بھیج دی تھی۔ صدر مملکت عارف علوی کا موقف تھا کہ اسمبلی میں پہلے خواتین اور اقلیتوں کی نشستوں کو مکمل کیا جائے۔ ایک ماہ میں پورے پنجاب کا کوڑا کرکٹ صاف کیا جائے، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ضلع انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو ٹاسک دے دیا ہے۔ سترا پنجاب اجلاس سے خطاب میں وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ مہلت کے بعد دیکھوں گی کہ کہاں پر عمل ہوا اور کہاں پر نہیں۔ عوام کو ٹوٹی گلیوں، گندے پانی اور ابلتے گٹروں سے نجات ملنی چاہیے۔
वजीर आला पंजाब सुबह सवेरे दफ्तर पहुंच गए। रास्ते में ट्रैफिक नहीं रोका गया। मरीम नवाज ने आम शहरियों की तरह सफर किया। खदमत करके तमाम मुखालफीन को गलत साबित करेंगे। उनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करने जा रहे हैं। मरीम नवाज की पंजाब असम्बली पहुंचने पर गुफ्तगू, कहा कि ये मेरा फर्ज है कि मैं किरदार अदा करूँ। मैं अदा करूंगी इंशाल्लाह ताला, और खिदमत करके हम अपने सारे अपोनेंट्स को हम गलत प्रूफ करेंगे। और उनको ये समझ नहीं आ रही कि इस वक्त क्या माशाल्लाह हम करने जा रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा, बहुत अच्छा। मेरा काम शहरियों के लिए आसानी पैदा करना है, पंजाब की आवाम के लिए आसानी पैदा करना है, ना कि मुश्किल क्रिएट करना है। तो मुझ पर मुश्किल आए मैं बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन उनके ऊपर मुश्किल आई ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैंने सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए, उसके बावजूद भी ट्रैफिक रुकती है, या आहिस्ता आहिस्ता इनको समझ आ जाएगा। जो काम आप 20 साल में नहीं कर सके, मरीम नवाज चंद हफ्तों में कर दिखाएंगी। अजमा बुखारी कहती हैं कि इनका काम तनकीद करना और चलना है। दो दिन की हुकूमत पर वो बात कर रहे हैं जो 4 साल की हुकूमत में कुछ ना कर सके। इनके पास अपना कुछ बताने के लिए नहीं, कुछ नहीं मिलता तो फजूल चीज़ें निकाल कर ले आते हैं। पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, दो दिन उनको ओथ लिए हुए हैं, लेकिन अभी से पंजाब और पंजाब की आवाम वो सब देख रही है जिसके पिछले 5 साल उनको देखने की आदत नहीं थी। जिनका चीफ मिनिस्टर 5 साल ट्रेन ही होता रहा, और जिस बेचारे को नेस्ले और नेस्पा का फर्क भी समझ में नहीं आता था, उनकी पार्टी के लोग जो है वो पता नहीं, मरियम नवाज साहिबा ने कूड़ा उठाने की मुहिम का ऐलान किया है, पता नहीं उनको किस बात का गुस्सा है। और कोई बात नहीं मिलती तो फजूल किस्म की जो है वो चीजें निकाल। सियासी किसी चीज पे बात नहीं कर सकते, ना उनकी कॉम्पिटेंस के ऊपर बात की जा सकती है, ना उनकी जो कारकर्दगी जो है वो 2-3 दिन से इन्होंने तिगनी का नाच नचाया हुआ इनको, और ये तकलीफ में है, बहुत तकलीफ में है। तरीके फसाद वाले, चूंकि काम करने की इनको आदत नहीं थी ना, इनके पास नहीं है बताने के लिए कि इन्होंने 5 साल क्या किया। अब सिर्फ 2 दिन की उनकी कारकर्दगी पर यह आलम है कि कोई ना कोई फजूल किस्म का स्टंट लेके जो आ जाते हैं। मजे की बात यह है कि 2 दिन की हुकूमत है, उसकी परफॉर्मेंस पे वो बात कर रहे हैं जो 5 साल, चलो 4 साल बुज़ार साहब और इमरान खान साहब जो है वो हुकूमत फरमा चुके हैं, जिनके पास एक कट्टे अंडे मुर्गियों के अलावा कुछ नहीं है बताने के लिए। हम खबर शामिल करें, अब आपको बताएं कि लीग की क़यादत ने वफाकी काबीना के लिए नामों पर गौर शुरू कर दिया है, जबकि अताउल्लाह तारर को वफाकी वज़ीर इत्तला'आत व नशरियात बनाए जाने का इम्कान है। अताउल्लाह तारर को वफाकी हुकूमत की तर्जुमानी भी दी जाएगी, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली के लिए अयाज सादिक मजबूत उम्मीदवार करार दिए जा रहे हैं, जबकि ज़रा के मुताबिक एहसन इकबाल को वजारत दाखिला का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान है। इस अकदार को वफाकी या पंजाब में एक जगह अहम जिम्मेदारी मिलेगी, जबकि तलाल चौधरी को सेनेटर बनाकर काबीना में जिम्मेदारी दी जाएगी। ख्वाजा आसिफ को वफाकी काबीना में अहम जिम्मेदारी दिए जाने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस मुतालिक मजीद तफसीलात क्या हैं, फवाद चौधरी से जाते हैं। फवाद, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने काबीना के अहम अरकान और जो दीगर अहम अहदे हैं उन पर मुशावरत की, और ज़राए के मुताबिक अताउल्लाह तारर को वफाकी वजारत इत्तला'आत दिए जाने का इम्कान है। इसके अलावा पार्टी की क़यादत ने नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली अताउल्लाह तारर की बाज़ाब्ता नामजदगी का भी फैसला किया। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए अयाज सादिक मजबूत उम्मीदवार हैं। एहसन इकबाल को प्लानिंग और वजारत दाखिला का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान है। इसके अलावा इसहाक डार को वफाक और पंजाब दोनों में किसी एक जगह अहम जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान है। तलाल चौधरी को सेनेटर बनाकर वफाकी काबीना में जिम्मेदारी दी जाएगी। ख्वाजा आसिफ को भी वफाकी काबीना में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, जबकि जाम कमाल को विफाकी काबीना में शामिल किया जाएगा। बलोचिस्तान मुस्लिम नून के सूबाई सदर जाफर मंदुखेल ने गवर्नरशिप के बजाय सेनेट की रुकनियत मांग ली है। जराए के मुताबिक इत्तेहादियों में अलीम खान और एमक्यूएम के वज़रा को भी शामिल किया जाएगा, जबकि डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए इरफान सदीकी के नाम पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। जी, लीग की क़यादत ने वफाकी काबीना के लिए नामों पर अब गौर शुरू कर दिया है, जबकि साकदार को वफाक या पंजाब में एक और अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। इस मुतालिक फहद चौधरी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब ये जानिए, नॉन स्टेट एक्टर्स कत्लेआम कर रहे हैं, अदालत में लोग खड़े होकर इनका दिफा करते हैं। निगरान वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान, कहा कि हाईवे पर रोककर शनाख्ती कार्ड देकर गोली मार देते हैं। दरअंदाजों ने एक चीफ जस्टिस को नमाज के दौरान शहीद किया, पाक फौज से जलाया मजदूर मारे गए। मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क दिए कि 59 अफराद में से सिर्फ 8 लोग रह गए हैं, इस बात का क्रेडिट हुकूमत को जाता है।
और अभी जानिए, आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तानी मईशत को लाहा खतरात से खबरदार कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया कि सख्त फैसलों के लिए पाकिस्तान में बनने वाली नई मखलूत हुकूमत के पास मैंडेट नाकाफी है। नई हुकूमत के लिए IMF से मुजाकरात की सलाहियत पर भी शकूक व शुबात है। बानी PTI एहतजाज और तोड़ फोड़ के मुकदमे में बरी। इस्लामाबाद की अदालत ने असद उमर, फैसल जावेद और दीगर की बरियत की दरख्वास्तें भी मंजूर कर ली हैं। फैसले के मुताबिक मुकदमे में मुलजमान को सजा नहीं सुनाई जा सकती। मजीद ट्रायल वक्त का ज़िया होगा। एहतजाज और तोड़ फोड़ का केस बानी PTI मुकदमे में बरी। इस्लामाबाद की अदालत ने असद उमर, फैसल जावेद और दीगर की बरियत की दरख्वास्तें भी मंजूर कर ली। फैसले के मुताबिक मुकदमे में मुलजिमान को सजा नहीं सुनाई जा सकती। मजीद ट्रायल वक्त का जिया है। बानी PTI असद उमर, राजा खुर्रम शहजाद नवाज, अली नवाज अवान, फैसल जावेद, आबिद हुसैन और जहीर खान की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर की जाती है। अदालत ने कहा की मुलजिमान असद उमर, अली नवाज अवान और फैसल जावेद इमारत पर हैं, मचल के वापस ले सकते हैं। मुलजिमान पर 26 मई 2022 को थाना तरनौर में मुकदमा दर्ज किया गया था। नवाज शरीफ की पार्लियामेंट हाउस आमद पर गुफ्तगू, इंशाल्लाह ये हुकूमत मईशत ठीक करेगी। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि ख्वाहिश है कि हर असेंबली सेनेट मुद्दत पूरी करे। नवाज शरीफ ने कहा कि हर वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी करे, जबकि मईशत से तमाम मामला जुड़े हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम की कोई बात नहीं, हुकूमत मईशत को ठीक करेगी तो सब ठीक हो जाएगा। नवाज शरीफ की पार्लियामेंट हाउस आमद हुई, कहा कि इंशाल्लाह ये हुकूमत मईशत ठीक करेगी, जबकि हर असेंबली सेनेट मुद्दत पूरी करे, हर वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी करे। मईशत से तमाम मामला जुड़े होते हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम की कोई बात नहीं होगी, हुकूमत मईशत को ठीक करेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको बताएं कि नवाज शरीफ की पार्लियामेंट हाउस ये आमद हुई और उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह ये हुकूमत मईशत ठीक करेगी। मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें और अब आपको बताएं कि गवादर में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी है। 183 मिलीमीटर बारिश ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। शहर डूब चुका है, मुख्तलिफ इलाकों का जमीनी रास्ता कट गया। पानी घरों और दुकानों में दाखिल है, जबकि बिजली मुकम्मल तौर पर अब मुनकता हो चुकी है। 7 मकाना तबाह, मुतादद को जिसमें नुकसान पहुंचा, शहरी नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। शहर में रेन इमरजेंसी अब नाफिज कर दी गई है, जबकि पाक फौज, पाक बहरिया और PDMA की टीमें इमदादी कामों में मसरूफ हैं। कल एक और सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है, जबकि अलर्ट जारी कर दिया गया। गवादर में नॉन स्टॉप बरसात, शहर पानी पानी हो गया, घंटों बादल बरसते रहे, बिजली कड़कती रही। गवादर, चीमनी और सरबंदन में तबाही मच गई। रेले आबादियों में दाखिल, कच्चे मकानात कर गए, बिजली का निजाम तरहम परहम हो गया। नकासी आब का मौसर निजाम न होने से गली मोहल्ले तालाब बन गए, शहरी नकल मकानी पर मजबूर हो गए। रात खुले आसमान तले गुजारी, सड़कें सेरे आब आ गयी, साहिल पर मौजूद कश्तियाँ समंदर में बह गयी। शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गयी। पाक फौज, पाक बहरिया और PDMA की टीमें इमदादी कामों में मसरूफ है। डिप्टी कमिश्नर औरंगजेब बादी ने पोल न्यूज को बताया कि बारिश से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना है। अब तक गवादर का शहर जो है वो काफी हद तक मुतासिर हुआ है बारिशों की वजह से। शहर में इस वक्त हमने इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी है, जो घर मुनासिब हुए थे तमाम लोगों को हमने शिफ्ट कर दिया मुनासिब जगहों पर। गवादर और केच के तमाम डैम्स भर गए, स्पिलवेज खोल दिए गए। जिले इंतजामिया के मुताबिक बारिश का सिलसिला सुबह 4 बजे तक जारी रहा। कल एक और सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल होगा, अलर्ट जारी कर दिया गया। गवादर में बारिश और सैलाब, पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। गवादर और चिमनी में 5 अफराद को बाहिफाजत बचा लिया गया। आर्मी इंजीनियर्स ने रोड क्लियरेंस और गाड़ियों की रिकवरी शुरू कर दी है। बाजारों और घरों से पानी निकाला जा रहा है, जबकि मुतासर अफराद में राशन और इमदादी सामान की तकसीम इस वक्त जारी है। आर्मी मेडिकल कोर की टीम भी तश्कील दे दी गई है, जबकि कश्ती और तैराकों की टीम लोगों को बाहिफाजत मुस्तकिल इस वक्त मुंतकिल करने में मसरूफ है। ताकतवर मगरबी हवाओं का सिलसिला कल मुल्क में दाखिल होगा। 2 मार्च तक मूसलाधार बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया, जबकि गवादर की सुरबत समेत बलूचिस्तान भर में तेज बारिश की पेशगोई कर दी गई है। मरी गलियात, खैबर पख्तूनख्वा, ज़ेरी सिंध और कश्मीर में भी बरसात मुतवक्के है। नदी नाले बिफरने का खतरा है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बर्फबारी से राबता सड़कें बंद हो सकती हैं। कराची में भी कल से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। चीन का पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करने का इकदाम, $2 अरब कर्ज रूल ओवर कर दिया गया। निगरा वज़ीर आज़म ने चीन से गुज़िश्ता माह दरख्वास्त की थी।
चीन ने $2 अरब कर्ज रोल ओवर करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। चीन मौजूदा शराइत पर $2 अरब कर्ज रोल ओवर करेगा। वजारत खजाना की कर्ज रोल ओवर कराने से मुतालिक कार्रवाई मुकम्मल हो गई। निगरा वजीर आजम ने चीन से गुज़िश्ता माह दरख्वास्त की थी। चीन ने कर्ज पर शरह सूद में इजाफे का मुतालबा किया था। मुहिदे के मुताबिक $2 अरब कर्ज की वापसी 23 मार्च को होनी थी। पाकिस्तान ने चीन से $2 अरब कर्ज 1.7% शरह सूद पर हासिल किया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जिक्र करें, आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का इम्कान है। यकम मार्च से 3 रुपये फी लीटर महंगी होने का खदशा जाहिर किया गया है, जबकि पेट्रोल की कीमत में 2.94 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान है। मिट्टी का तेल 82 पैसे फी लीटर महंगा हो सकता है, जबकि आइंदा 15 रोज के लिए हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार रखी जाने का इम्कान है। ओगरा कीमतों से मुतालिक वर्किंग पेपर कल हुकूमत को भेजवाएगा। गाज़ा में हज़ारों मासूम फ़िलिस्तीनियों की जानों के ज़िया पर अमरीकी सदर जो बाइडेन की बेहसी मंजर आम पर आ गए आइसक्रीम का मजा लेते हुए। गाज़ा जंगबंदी के माहदे के बारे में बात करने पर सदर जो बाइडेन पर शदीद तनकीद की जा रही है। अमरीकी सदर जो बाइडेन की गिरी हुई हरकत, आइसक्रीम खाते हुए गजा पर बात करने पर दुनिया भर में लोग शदीद गुस्से में आ गए। सोशल मीडिया सार्फीन ने सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए सदर बाइडेन को आड़े हाथों ले लिया। एक सार्फ ने कहा, अगर आपका बच्चा किसी अफरीद के हाथों कत्ल होता तो क्या वो ऐसे आइसक्रीम खाते। एक और सार्फ ने कहा, ये अमल यरगमालियों के बारे में उनके जज्बात जाहिर करता है। अमरीकी सदर जो बाइडेन का कहना था की गजा में सीज फायर आइंदा पीर तक मुतवक्के है। अहम खबर शामिल करें, अब आपको बताएं कि आर्मी चीफ से ASP शहर बानू नकवी की GHQ में मुलाकात है। आर्मी इस वक्त शहर बानू SP चीफ ने इस वक्त ड्यूटी के दौरान बेलौस लगन और गैर यकीनी सूरत हाल पर काबू पाने में पेशा वराना महारत का मुजाहरा पेश करने में तारीफ की है। निडर ऑफिसर शहर बानू नकवी ने 26 फरवरी 2024 को लाहौर के इशरा बाजार के मुस्तल हजूम से खातून को बाहिफाजत निकाला। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तानी खवातीन जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। इस मुतालिक तफसीलात क्या हैं, नुमाइंदा खसूसी सलमान अबान से जानते हैं। जी सलमान जी बिल्कुल, सैयदा शहर बानो नकवी ने जिस तरह से कारनामा अंजाम दिया, पाकिस्तान की खवातीन का नाम रोशन किया और पाकिस्तान की रियासत का नाम रोशन किया, उसी के ऊपर आर्मी चीफ भी हमें उन्हें अप्रिशिएट करते हुए दिखाई देते हैं। आज उनकी GHQ में आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई और आर्मी चीफ ने SP शहर बानू की ड्यूटी के दौरान बेलौस लगन और एक गैर यकीनी सूरत हाल पर काबू पाने में जिस तरह से उन्होंने अपनी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज दिखाई उसकी तारीफ की और उनका कहना था कि पाकिस्तानी खवातीन जो है जिंदगी के तमाम शोबों में यकीनन अहम किरदार अदा कर रही हैं और खवातीन पाकिस्तानी मुआशरे का एक अनमोल हिस्सा है। उनका एहतराम हमारे मजहब के साथ हमारी जो मुआशरती अकदार है उनमें भी शामिल है और इसमें इस मौके पर आर्मी चीफ ने समाजी हमाहंगी की अहमियत और अदम बर्दाश्त को रोकने के लिए मुल्क की इत्तेफाक राय की जरूरत पर जोर दिया और उनका कहना था कि रूल ऑफ लॉ जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, तहफुजात और शिकायत के हल के लिए जरूरी है कि कानूनी रास्ते जो मैसर हैं जो पाकिस्तान का आईन और कानून फराहम करता है उनके होते हुए किसी कानून को हाथ में ना लिया जाए। उसके साथ ही आर्मी चीफ का कहना था कि बिदत की बुनियाद पर मनमानी कार्रवाइयां मुआशरे के नुक्ता नजर को कमजोर करती हैं और इस्लाम में जिस तरह से हुस्न सलूक और एहसान का एक पैगाम दिया गया है वो बहुत जरूरी है, उसको अपनाया जाना चाहिए। और इसके साथ ही आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के शहरियों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी कुर्बानियों को भी सराहा। जी आर्मी चीफ ने SP शहर बानू की ड्यूटी के दौरान बेलौस लगन और एक गैर यकीनी सूरत हाल पर काबू पाने में पेशा वराना महारत का मुजाहरा पेश करने पर यह तारीफ की है। इस मुतालिक सलमान अबान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आर्मी चीफ से इस वक्त आपको बताएं कि आर्मी चीफ ने SP शहर बानू की ड्यूटी के दौरान बेलौस लगन और एक गैर यकीनी सूरत हाल पर काबू पाने में पेशा वराना महारत का मुजाहरा पेश करने पर यह तारीफ की है और कहा गया कि निडर ऑफिसर शहर बानू नकवी ने 26 फरवरी 2024 को लाहौर के इछरा बाजार के मुश्तल हजूम से खातून को बाहिफाजत निकाला। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तानी खवातीन जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। आज़ादी के बाद से पाकिस्तानी ने अपनी काबिलियत इस्तेकामत और अजम की वजह से अंदरून और बैरूनी मुल्क खुद को मुमताज किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।